मास्टर चर्चा करें। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था लर्निंग, तो हमने देखा था लर्निंग या अधिगम क्या होता है, फिर देखा था लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं बैरियर्स ऑफ लर्निंग, तो सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट कारक हमने लिखा है विषय का स्वरूप तथा समाप्ति, है ना। तो सीखने के लिए विषय का स्वरूप तथा विधि भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सिखाए जाने वाली विषय वस्तु उपयोगी और क्या है सार्थक नहीं है, तो क्या है बच्चे उसको क्या है समझने में क्या है इंटरेस्ट या रुचि नहीं लेते। तो जो सीखने का जो सीखने के लिए बाधाएं आती है वो क्या है, फर्स्ट एक विषय का स्वरूप तथा विधि। विषय का स्वरूप तो हो गया, अगर जो विषय या हम जो प्रकरण उसके अंतर्गत विषय के अंतर्गत हम कोई प्रकरण अगर बच्चों को पढ़ाएंगे वो अगर उपयोगी और अगर वो सार्थक नहीं होगा तो बच्चे क्या है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लगातार साथ साथ इसके साथ भी विधियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है शिक्षण के क्षेत्र में क्या है बहुत सारी विधियाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे क्या हो गया लेक्चर मेथड हो गया है ना, व्याख्यान विधि यूज़ करते हैं, खेलकूद विधि यूज़ करते हैं, समस्या समाधान विधि यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट परियोजना विधि यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस विधि से पढ़ा रहे हैं। अगर वो विधि जैसे क्या बोलते हैं जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या हम कौन सी विधि यूज़ करेंगे, हम क्या कहानी विधि के माध्यम से बच्चों को क्या है जैसे कोई हिंदी का कोई पाठ पढ़ाना है तो हम उसमें क्या करेंगे कहानी विधि का क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार क्या है आपका प्रकरण या टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं मैथड का यूज़ करते हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाला एक और कारक है, ये है विषय का स्वरूप तथा विधि। अगर जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, अगर वो सार्थक नहीं है तो बच्चा क्या उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, है ना। और क्या है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल को ध्यान में रखते हुए क्या है आपका क्यूरिकुलम या क्या है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसलिए क्या है पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है समय समय पर चेंजेस किया जाता है, बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका क्या मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया जाता है कैरिकुलम या क्यूरिकुलम बनाया जाता है, आपका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है आपका पाठ्यक्रम या क्या है सिलेबस बनाया जाता है ना। तो क्लास वन के बच्चों को उनके क्या बोलते हैं उनके मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है सिलेबस या क्यूरिकुलम बनाया जाता है ना। तो जैसे बीएड का जो क्यूरिकुलम था वो क्या पहले एक वर्ष का था, फिर उसको फिर क्या है फिर नीड हुई कि क्या किया जाए दो वर्ष का किया जाए। तो फिर उसमें क्या है कैरिकुलम मतलब क्या होता है क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम में क्या है बच्चों की आवश्यकताओं की मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो क्या बोलते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है विषय का स्वरूप तथा विधि। अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, अगर उस क्या बोलते हैं टीचर टॉपिक को पढ़ा रहा है और उस टॉपिक में अगर वो कोई टीचिंग मेथड का यूज़ करता है, अगर वो बच्चे उस मेथड को बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, बच्चे उस मेथड से नहीं सीख पा रहे हैं, तो बच्चा क्या है उस टॉपिक या उसको पढ़ने में क्या इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। और बच्चा अगर समझ नहीं पढ़ पा रहा है और टीचर अगर अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो भी क्या है वो सीखने में क्या हो जाएगा बाधित हो जाएगा, बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या अवरुद्ध हो जाएगी। तो क्या है विषय वस्तु पे भी डिपेंड करता है, मतलब क्या आपका सब्जेक्ट मटेरियल पे भी क्या करता है डिपेंड करता है ना। अगर आपका जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो या बहुत लार्ज है या बहुत लेंथी है या बहुत टफ है तो बच्चा क्या है थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, उसको मतलब उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेता और उसको इंटरेस्ट उसका नहीं जाता। तो क्या सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है विषय का स्वरूप तथा विधि। फिर सेकंड हम देखते हैं बाधा की योग्यता क्षमता। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बाधा की योग्यता क्षमता में भी क्या करता है डिपेंड करता है ना। तो जो बुद्धि होती है तो बुद्धि क्या है बाधा की योग्यता क्षमता से प्रभावित होती है। जो बालकों की बुद्धि जो होती है वो क्या है जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है उस प्रकार क्या की जाती है और विकसित होती रहती है। तो जो बच्चे क्या है बच्चे क्या है अपने अपने समझ और अपने अपने योग्यता के अनुसार क्या करते हैं सीखते हैं। तो प्रति बच्चे है क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन टीचर तो क्या है सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर क्या सभी बच्चे उसी तरीके से समझ पाते हैं क्या नहीं, कोई बच्चे क्या है जल्दी समझ जाएंगे चीज़ों को तो कोई बच्चा उसी चीज़ को क्या है नहीं समझ पाएगा, है ना। जैसे बच्चा क्या है सपोज मैथ्स में कमजोर है ना, मैथ्स वो बच्चा अगर वो
मैं समझने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, या अगर बच्चा समझना भी चाह रहा है तो उसकी क्या मेमोरी पावर वीक है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो क्या रहता है, बच्चों की योग्यता तथा क्षमता के अकॉर्डिंग भी रहता है, क्योंकि सभी बच्चे क्या है समान नहीं रहते, सबकी अपनी क्या व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वो अपना क्या स्वगति और स्वगति और क्षमता के अनुसार प्रत्येक बच्चा क्या है अपना सीखता है और अपनी चीज़ों को क्या करता है आगे सीखता जाता है। सभी बालक जो है अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार समझते हैं, है ना। कोई बालक अगर बोलते हैं गणित में कमजोर है तो वो क्या है वो गणित क्या है जल्दी से नहीं समझ पाएगा। तो कोई बच्चा क्या है किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता या अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो क्या है आगे बोलते हैं जो सीखने की प्रक्रिया है ना, तो यहाँ पे बालक की योग्यता तथा क्षमता बहुत मायने रखती है कि बच्चा क्या है, क्योंकि बच्चों में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और कक्षा में क्या है, कक्षा में जो टीचर है वो क्या है आगे बोलते हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का साइकोलॉजिकल तरीके से क्या है सभी बच्चों का उनका बिहेवियर को उनको जानना चाहिए, उनकी उनके इंटरेस्ट को जानना चाहिए। तो किसके द्वारा जाना जाता है, ये क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या है आगे बोलते हैं बच्चों के क्या है व्यवहार, उनकी रुचि और उनकी अभिवृत्तियों को जाना जाता है। और उनकी रुचियों अभिवृत्तियों उनकी योग्यताओं तथा क्षमताओं को समझ कर क्या है बच्चों को क्या दी जाती है शिक्षा दी जाती है। तो एक आपका ये सीखने की प्रक्रिया में एक बात करता है कि बालक की योग्यता तथा क्षमता है ना। कोई बालक अगर आप किसी चीज़ को टॉपिक को समझा पा रहे हो तो कोई बहुत जल्दी सीख जाएगा, तो कोई क्या है बहुत धीमी गति से सीखेगा, या तो कोई बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी कठिनाइयों को समझ के क्या है उसका उसका जो भी कठिनाई है उसको क्या करना चाहिए आपको निवारण करना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में यहाँ पर दो चीज़ें बताई, एक तो विषय का स्वरूप तथा विधि और सेकंड क्या है बालक की योग्यता तथा क्षमता। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर निश्चित उद्देश्य। तो जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का आपको उसका निश्चित उद्देश्य मतलब आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये क्या है, ये टॉपिक या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर बच्चों को इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस टॉपिक का महत्व या उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है क्लियर कर देना चाहिए। एक निश्चित मतलब क्या है आपका एम क्या होना चाहिए, उसको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है समझने में इंटरेस्ट लेते तो वो क्या समझेंगे, लेकिन अगर क्या है सेफ कह रहे थे कुछ बच्चे जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं रहती, जिनकी समझने में रुचि नहीं रहती, तो क्या है वो टॉपिक या प्रकरण को बच्चे समझते नहीं है। तो क्या है सीखने को बाधित करने वाले भी बहुत कारण है। अगर बच्चे को पता ही नहीं कि हम उस वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर टीचर के वहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चा क्या है समझने या पढ़ने में क्या इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, उसको क्या समझने की वो क्या है कोशिश नहीं करेगा। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए क्या बोलते हैं आपका एम या उद्देश्य क्या करना चाहिए स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे हम क्या साइंस में बच्चों को प्रयोग कराते हैं ना, साइंस में जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स से जो भी हम क्या प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसके पहले हम क्या बनाते हैं ये एम बताते हैं कि ये हम प्रैक्टिकल क्यों करवा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं ना। तो बच्चे को अगर एम या उद्देश्य अगर स्पष्ट होगा, उसको क्लियरिटी होगा, तो बच्चा क्या है उस प्रयोग को करने में क्या है रुचि लेगा, उस प्रयोग को अपने अपने समझ के अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अनुसार वो प्रयोग को क्या करेगा और सीखने के लिए क्या रहेगा उत्सुक रहेगा, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक या जो हम सब्जेक्ट या जो भी प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं उसका हमको क्या करना चाहिए, एम्स बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि आप क्यों कीजिए, आपको सीखने में क्यों बेनिफिट है, ताकि क्या है बच्चा क्या कर सके इंटरेस्ट ले सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रेरकों का प्रयोग। तो जो प्रेरक है ना, जो प्रेरक है वो क्या है आंतरिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। प्रेरक मीन्स क्या होता है मोटिवेट या क्या है प्रोत्साहन किया है ना। तो बच्चा क्या है अगर कोई प्रैक्टिकल करता है या कोई प्रयोग करता है बच्चे ने कर लिया तो उसका क्या करना चाहिए उसको आगे बोलते हैं उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको अभी प्रेरणा देना चाहिए कि हम देखते हैं जैसे गुड या वेरी गुड है ना, जैसे हम बच्चों को क्या है बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग देते हैं, हम क्या लिखते हैं गुड या वेरी गुड, बच्चा अच्छा करता है ना। अगर बच्चा सही तरीके से नहीं करते बहुत गंदा करता है तो फिर क्या करते हैं हम लिखते हैं वेरी बैड लिखते हैं ना। तो इस प्रकार हमको क्या है बच्चों को प्रोत्साहन
प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन, है ना। अगर बच्चा कोई काम को कर लिया तो हमको क्या है उसके सीखने की प्रक्रिया पे हमको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जैसे सपोज जैसे हम देखते हैं कोई बच्चा अगर साइकिल चलाने सीखना है तो वो तुरंत तो साइकिल चलाना क्या है सीखता नहीं है, शुरू में वो साइकिल को पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे उसको पहले साइकिल को अपना पकड़ना सीखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या है साइकिल चलाना सीखता है। तो हमको उसको सीखने की जब प्रक्रिया चलती रहती है तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। इससे क्या होनी चाहिए, उसके अंदर की शक्ति क्या होती है, उनके अंदर की शक्ति का विकास होता है, और वो बच्चा क्या है जो कार्य या जो बच्चा किसी चीज़ को सीखता है उसमें उसका मन लगा रहता है और उसको क्या रहता है एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैंने किया, तो उसको एक आत्मशक्ति का भी अनुभव होता है कि मैं ये किया हूँ तो और अच्छे से कर सकता हूँ और आगे किस तरह क्या है बेहतर सीख सकता हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या है हर समय प्रेरकों का प्रयोग क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, या अभिप्रेरणा या क्या है ना मोटिवेशन, है ना। जैसे बच्चा क्या है, अगर सपोज बच्चा सेमेस्टर एग्जाम या किसी में फेल हो गया तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको डिप्रेशन में मत जाने, तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिए कि आप अच्छा पढ़िए तो आप क्या कर सकते हैं आगे उस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, या जो भी क्या बोलते हैं टेस्ट को आप क्या कर सकते हो क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखने की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि अगर हम सीखते सीखते अगर हमारा क्या बोलते हैं उत्साह, हमारा क्या बोलते हैं जो एनर्जी रहता है वो डाउन हो सकता है, डाउन हो जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए एक मोटिवेशन का क्या होता है, एक प्रेरकों का क्या होता है जरूरत होता है। तो जो क्या बोलते हैं जो प्रेरक होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं बल प्रदान करते हैं, इम्प्रूवमेंट में क्या है सक्सेस देने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट देखते हैं रुचि एवं रुझान, है ना, रुचि एवं रुझान। तो यहाँ पे रुचि बहुत मायने रखता है इंटरेस्ट, है ना। अगर कोई बच्चे को अगर सपोज मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स बनाने में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा क्या है उस क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेगा, उसको अच्छे से करेगा और वो क्या अच्छे मार्क्स से रहेगा, क्योंकि क्या है वो उसकी एक रुचि है और उसको क्या है उस क्या बोलते हैं उसकी एक रुचि है और उस सब्जेक्ट को करने में उसको अच्छा लगता है और वो क्या काफ़ी अच्छे तरीके से उसको क्या सीख जाता है। तो रुचि एवं रुझान किसी कार्य को करने के लिए रुचि एवं रुझान होना बहुत जरूरत है, है ना। अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं बच्चा या कोई भी पढ़ाते चाहे इंग्लिश पढ़ाए चाहे मैथ्स पढ़ाए या जो भी पढ़ाए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो बच्चा क्या है वो पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। तो सबसे पहले तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो क्या बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या है आगे बताओ उसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करे और ये बताए कि आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है ना। या कुछ क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट का अगर हम टॉपिक हम क्लास में हम बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है बच्चों को सीखना। तो यहाँ पे जो है वो क्या है बच्चों की रुचि एवं रुझान भी बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी बच्चे में अगर क्लास में अगर हम पढ़ाते रहते हैं अगर कोई भी सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि नहीं है, समझ उसको मैथ्स में रुचि नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चा क्या उसमें वो सीखने में ज़्यादा क्या एक्टिव भी रहेगा, मतलब धीमी गति से सीखेगा, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, है ना। आप चाहे खाना बनाना सीखते हो तो आपको क्या होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप इंटरेस्ट रहेगा तो रुचि और रुझान रहेगा तो आप उस तरीकों को क्या है और अच्छे और मन लगा के करोगे तो क्या आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो उस चीज़ को सीख सकते हो। जैसे क्या है हमें लैंग्वेज अदर लैंग्वेज बोलना सीखना है, जैसे इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्रेंच बोलना सीखना है, या जो भी लैंग्वेजेस हमको सीखनी है, तो उसके लिए हमको क्या होनी चाहिए हमको इंटरेस्ट होना चाहिए, तब हम क्या है उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो किसी भी कार्य को करने या किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमारा क्या है इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फोर्सफुली कोई चीज़ कराया जाए आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो आप उस चीज़ को क्या अच्छे से सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको वही चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या है उस चीज़ को क्या है काफ़ी बेहतर और क्या है अच्छे तरीके से क्या करोगे आप सीख पाओगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है सीखने की इच्छा है, तो सीखने के लिए क्या होनी चाहिए सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है या बीमार है ना, या उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चे की क्या है सीखने की इच्छा तीव्र नहीं रहेगी, बच्चा क्या है मायूस रहेगा, हताश रहेगा, उसको पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो सीखने की इच्छा के लिए बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, या तो हो सकता है बच्चा बीमार है बच्चे की, या तो बच्चा डिप्रेशन में है या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो वो भी क्या है उसके सीखने की इच्छा पे क्या करता है डिपेंड करता है। अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो बच्चे को कोई कार्य या कोई काम सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा कैसे सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है एक तो क्या सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा मीन्स
अगर क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर बच्चा क्या है उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं है अंदर से उसको सीखने की, तो बच्चा क्या वो सीखेगा नहीं। इसी प्रकार टीचर्स पर भी डिपेंड करता है सिखाने की इच्छा, ठीक है। अगर टीचर आगे बढ़ते हैं अनवेल है, सही आगे बढ़ता है आगे बढ़ते बीमार है, तो क्या है टीचर भी क्या अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, अपना क्या है 100% नहीं दे पाएगा। तो सीखने या सिखाने के लिए क्या है सीखने वाले और सिखाने वाले की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, है ना। तभी आप क्या है कोई चीज़ को सीख पाओगे या कोई किसी को सिखा पाओगे। फिर नेक्स्ट पर हम देखते हैं बुद्धि। तो बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, और क्या है आयु के अनुसार क्या है बुद्धि क्या है बढ़ती रहती है। अभी तो क्या है बुद्धि को इसकी क्लियर अभी परिभाषा नहीं दी पाई है, बट क्या है सभी बच्चों की क्या है बुद्धि क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे क्या है बुद्धि का परीक्षण भी करवाया जाता है, कोई भी क्या है प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई जो दीर्घ बुद्धि के बालक होते हैं जो क्या है बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं, या कोई टॉपिक या कोई प्रॉब्लम को क्या है जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं एवरेज चाइल्ड रहते हैं, जो क्या है मतलब औसत तरीके से मतलब अपने गति के अनुसार सीखते हैं। तो कोई क्या होते हैं मंद बुद्धि छात्र रहते हैं, जिनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती उनको क्या है स्पेशल एजुकेशन स्पेशल क्या है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार क्या है सीखने की प्रक्रिया में एक बुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप क्या है क्या बोलते हैं मंद बुद्धि बालक हैं, है ना, तो आप क्या है आपको सिखाने के लिए क्या है एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी, है ना। जो जैसे जैसे क्या है नेत्रहीन बच्चे रहते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए ब्रेल लिपि यूज करवाते हैं, अलग क्या बोलते हैं स्कूल्स होते हैं बच्चों के, या जो क्या बोलते हैं बाल अपराधी बालक है या विभिन्न तरीके के जो बालक है, तो उनको क्या है स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल स्कूल्स की जरूरत होती है। तो सीखने की प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अगर आप में क्या है उसको उस टॉपिक या उस कार्य को आपको सीखने के लिए आपकी पर्याप्त बुद्धि नहीं है, आप क्या है आप बुद्धि का अपना यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपके उसको क्या आप उसको सीख नहीं पाओगे। तो बुद्धि भी एक फैक्टर है जो क्या है सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व। तो एक टीचर की पर्सनैलिटी क्या होती है सीखने सिखाने के लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशील नहीं है तो क्या है प्रभावशील नहीं है शिक्षक अपने आप में दक्ष नहीं है उस विषय को पढ़ाने में उस टॉपिक को पढ़ाने में। अगर शिक्षक क्या है निपुण नहीं है तो क्या बच्चों को क्या है वो अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, है ना। तो टीचर्स को क्या होना चाहिए जो सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट में है या जिस सब्जेक्ट के टीचर है उसमें क्या होना चाहिए दक्ष होने चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए कुशल होने चाहिए, उनको निपुण होने चाहिए। और टीचर्स को क्या है शिक्षण नीतियों का प्रयोग भी क्या है आवश्यकता के अनुसार उनको करने का होना चाहिए। जैसे क्या है आपको टीचर्स क्या है पढ़ाने के लिए क्या है विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, खोज विधि है ना, खेलकूद विधि, तो इत्यादि क्या है विधियों का क्या करता है प्रयोग करता है। तो एक शिक्षक का व्यक्तित्व भी क्या है सीखने की प्रक्रिया को क्या कर सकता है बाधित कर सकता है। अगर क्या है टीचर अगर जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, जो ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, या टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है या जो मैथड्स का यूज कर रहा है अगर वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो वो भी क्या है सीखने के लिए कोई वैल्यू नहीं, तो बच्चा क्या है उसको सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। अगर आप क्या बच्चा क्या बोलते हैं लैंग्वेज जैसे बच्चा हिंदी जानता है तो आपको हिंदी में वो बच्चों को पढ़ाना होगा, है ना। जैसे बच्चा कोई महाराष्ट्रियन है या जो अदर स्टेट में, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या की जाती है शिक्षा दी जाती है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन या उनको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है सिखाया जाता है। तो सिखाने के लिए जो है वो क्या है टीचर्स का शिक्षा का व्यक्तित्व भी क्या है बहुत क्या बोलते हैं मायने रखता है। अगर टीचर का क्या बोलते हैं व्यक्तित्व उस क्या बोलते हैं उस विषय के अनुसार ना हो या उस सब्जेक्ट के अनुसार ना हो, या अगर टीचर जैसे साइंस का टीचर है लेकिन साइंस से को अच्छे से पढ़ा नहीं पाता अच्छे से समझा नहीं पाता, तो अगर टीचर ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो बच्चे कैसे किस प्रकार और किस तरह समझेंगे, है ना। तो शिक्षा का व्यक्तित्व भी सहायक सामग्री या सहायक साधन यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्या बोलते हैं आपको चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, चार्ट मॉडल इत्यादि का क्या करना पड़ेगा आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो सिखाने के लिए क्या है सहायक साधनों का प्रयोग भी आवश्यक है, क्योंकि आप
प्रक्रिया को क्या माना जाता है, सीखने की प्रक्रिया को इसे क्या है और प्रभावशाली, इसे सीखने की प्रक्रिया को क्या है और प्रभावशाली इसमें बनाया जा सकता है। तो सहाय साधनों का प्रयोग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके यहाँ कोई टॉपिक या कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक में आप अगर चार्ट मॉडल या कुछ सहायता आप यूज कर सकते हो, तो बच्चे क्या उसको उस टॉपिक को क्या बच्चे और अच्छे से समझेंगे और क्या तीव्र गति से क्या करेंगे सीखेंगे। तो आपका एक और ये चीज इम्पोर्टेंट है कि सहाय साधनों का प्रयोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं परिपक्वता। तो परिपक्वता भी क्या है, सीखने की प्रक्रिया को क्या कर सकती है, आगे कर सकती है, क्योंकि बच्चों की योग्यता तथा क्षमता क्या है आयु के अनुसार बढ़ती है, आयु के अनुसार उनकी क्षमता बढ़ती है। अगर बच्चा मैच्योर नहीं है, बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पाता या कोई कार्य को करने में सक्षम नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो वो चीज़ें बच्चा क्या है नहीं कर पाएगा। तो क्या है, एक परिपक्वता भी सीखने की प्रक्रिया को क्या है आभावित करने वाले में से कारण में से एक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सीखने का समय तथा थकान। तो सीखने का समय तथा थकान, अगर कोई आप बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं, एक घंटे से बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं या दो घंटे से दे रहे हैं, तो बच्चा क्या सुनते सुनते थक जाएगा। अगर टाइम डिमिनेशन ज़्यादा है, बच्चों को टीच करा रहे हो तो टाइम में डिमिनेशन ज़्यादा है, तो बच्चा क्या है सुनते सुनते उनकी जो मानसिक क्षमता वो क्या है, बच्चा क्या है क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं लगता, बच्चा क्या होने लगता है बोर होने लगता है। जैसे वही देखा जाए कि जैसे बच्चे शुरू में आते हैं क्लास में या एक घंटे पे अगर आप लेक्चर देते हो तो बच्चे अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जैसे काफ़ी टाइम अगर आप ज़्यादा टाइम का लेक्चर दे रहे हो तो बच्चे क्या होना बोर लगने बच्चे क्या है बोर होने लग जाते हैं और बच्चे की क्या है सीखने की क्षमता जो है या सीखने की इच्छा भी क्या हो जाती है धीमी हो जाती है। तो क्या एक मैटर भी करता है सीखने का समय प्रक्रिया क्या हो जाएगी बाधित हो जाएगी। तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया में क्या है समय तथा थकान भी क्या है इम्पोर्टेंट रूप में करता है, उसको बाधित होने का एक कारण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं उचित वातावरण। तो सीखने की प्रक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, उचित वातावरण होना आवश्यक है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपका स्कूल है, तो अगर आप स्कूल में क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर आसपास शोर हो रहा है या बगल कक्षा में शोर हो रहा है या प्लेग्राउंड में शोर हो रहा है, तो आपको क्या है सिखाने की प्रक्रिया भी क्या होगी बाधित होगी। बच्चों को आप कोई प्रकरण या कोई टॉपिक समझा रहे हो तो क्या है बाहर से हल्ला हो रहा है, क्लास से शोर हो रहा है, तो क्या है सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी, बच्चे भी क्या होंगे डिस्टर्ब होंगे, बच्चे भी क्या है उनको सीखने में क्या लगेगा मन नहीं लगेगा, है ना। और इसी प्रकार जैसे क्या है बच्चा अगर बच्चों को पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिल गया है ना, तो क्या है जैसे बच्चे क्या है बीच में कुछ बच्चे क्या है जैसे फेल हो जाते हैं, गांव वगैरह के अधिकतर बच्चे लोग जैसे कुछ फेल हो जाते हैं तो बच्चा क्या पढ़ाई छोड़ देता है ना। लेकिन बच्चे को अगर उचित वातावरण मिले, पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले, तो बच्चा क्या आगे चल के क्या कर सके अपना विकास कर सकता है। तो उचित वातावरण भी आवश्यक है सीखने के लिए। क्या है आप कोई कार्य सीखना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए परिस्थितियाँ होनी चाहिए, उस ताकि परिस्थितियों के अनुसार आप क्या कर सकें सीख सकें। तो सीखने के लिए क्या उचित वातावरण भी होना क्या है आवश्यक है। आप क्या है कोई अच्छे एटमोसफियर में क्या है सीखने की प्रक्रिया तीव्र होगी और आपने सीखने की इच्छा होगी और आप इस कार्य को क्या है बहुत अच्छे और क्या है प्रभावशाली तरीके से आप क्या कर सकते हो सीख सकते हो। धन्यवाद।